सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो है सोच के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर। कहते हैं कि द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया में अगर सबसे ताकतवर, अगर सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज़ है तो वो है इंसान की सोच। क्योंकि जैसा इंसान सोचता है उसके साथ में वैसा घटित होता है। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ कि एक बार की बात है कि अमेरिका में एक क्रिमिनल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसका कोई जुर्म था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसकी जो डेट थी वो मुकर्रर कर दी गई, तय कर दी गई कि आपको इस तारीख में फांसी की जो सज़ा है वो पूरी कर दी जाएगी, यानी कि आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब उसको एक मतलब कोठरी के अंदर बंद कर दिया तो वहाँ के साइंटिस्टों ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक सर्वे करना चाहा, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, तो वो सर्वे करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस क्रिमिनल के पास में गए और जाने के बाद उस क्रिमिनल से बोले, गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद, कि अब आपकी जो सज़ा है वो आपको फांसी से मतलब जो है फांसी दे के नहीं आपको मरवाया जाएगा, बल्कि आपको कोबरा सांप से डसवाया जाएगा और आपको ख़त्म किया जाएगा। अब आपकी जो फांसी की सजा है वो आपसे फांसी देके आपको नहीं मारा जाएगा, अब कोबरा सांप से आपको डसवाया जाएगा और आपको 3 दिन या 4 दिन के बाद में जो है वो कोबरा सांप से आपको डसवा दिया जाएगा। अब वो जो इंसान था, जो क्रिमिनल था, अब वो पूरी रात यही सोचता रहा कि अब ये कैसे हो पाएगा भाई साहब, मुझे सांप आएगा, डसेगा और मेरी बॉडी के अंदर जहर होगा। वो उस फीलिंग के बारे में, उस कंडीशन के बारे में सोचना स्टार्ट किया। पूरी रात वो यही सोचता रहा। सुबह दिन निकली, वो साइंटिस्ट आए, आने के बाद में उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधी गई। उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधने के बाद उस क्रिमिनल को कोबरा सांप से नहीं बल्कि दो सेफ्टी पिन चुभाया गया। कोबरा सांप से नहीं बल्कि दो सेफ्टी पिन चुभाया गया उसको और उसकी पट्टी खोल दी गई। तो पता चला कुछ दिन के मतलब कुछ देर के बाद में, कुछ घंटों के बाद में वो इंसान मर गया, डेथ कर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर उतना ही जहर पाया गया जितना एक कोबरा सांप के डसने पे पाया जाता था। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन लोगों ने सर्वे किया कि उसकी बॉडी के अंदर इतना जहर आया कहां से? उसको कोबरा सांप से डसवाया नहीं गया तो उसकी बॉडी के अंदर इतना जहर आया कहाँ से? वो जहर आया उसकी सोच से, उसकी थिंकिंग से। उसकी बॉडी के अंदर वो जहर पैदा हो गया क्योंकि पूरी रात वो यही सोचता रहा कि मुझे सांप डसेगा और डसने के बाद में मैं एक्सपायर हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उसने दोस्तों, सोच का गलत नतीजा और सही नतीजा दोनों होता है, बट थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव के नेगेटिव। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचना है क्योंकि नेगेटिव सोच का नतीजा नेगेटिव ही होता है। ये कहानी तो अमेरिका की थी और ये आपकी समझ में भी आई, बट हमारे एक गांव देहात में भी, हमारे सिटी, हमारे शहर के अंदर भी कई मतलब साल पहले की कहावत चरितार्थ है। किसी ने, बुजुर्ग ने हमको बताई थी कि एक बार क्या हुआ, कोई इंसान था, पहले जो घर हुआ करते थे वो पक्के नहीं हुआ करते थे, छप्पर के घर हुआ करते थे, फूस के घर हुआ करते थे। तो क्या हुआ, कोई इंसान उस फूस पे चढ़ा था। चढ़ने के बाद में क्या हुआ ना कि उस इंसान का जो पैर था, जो पतेल होती है, जो तिनका होता, उससे पतेल का जो है उसका पैर मतलब थोड़ा कट लग गया और वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट किया। तो वो इंसान बोला कि पतेल की वजह से, इस तिनके की वजह से जो मतलब जो है ब्लड निकल रहा, खून निकल रहा है, तो कोई उसको मतलब तकलीफ नहीं हुई। वो ऐसे ही मतलब इग्नोर कर दिया, वो दो कुछ दिन के बाद में वो सही हो गया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब उसने वो जो छप्पर था वो उसने तोड़ा और दूसरा नया छप्पर मतलब जो है डालने के लिए उसने प्लानिंग करी, जब वो छप्पर तोड़ रहा था, फूस हटा रहा था, तो वहाँ पर उसको एक सांप दिखाई दिया। अब उसकी सोच में वो कई साल पहले की बात आई कि शायद उस टाइम मुझे जो है वो पतेल के तिनके से नहीं, फूस के तिनके से ब्लड नहीं निकला था, बल्कि मुझे इस सांप ने काटा था। और वो उस सांप के काटने की सोचने लगा और कुछ दिन के बाद में वो जो इंसान था उसके जो इंतकाल हो गया, यानी कि वो भी एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों, सोच ऐसे काम करती है। तो इसलिए मेरी एडवाइस आप सभी लोगों को है कि आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रिजल्ट ही आएंगे। लेकिन होता क्या है, जब लोगों को किसी फील्ड में या किसी भी इंडस्ट्री में जब वो काम करता है, उसको
सक्सेस आने लगती है, वो कुछ जगह पर अनसक्सेस हो जाता है, वो नेगेटिव सोचने लगता है। अब नेगेटिव पूरी रात नेगेटिव सोचता है और धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो उस दलदल में फंस जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को इतना कमज़ोर समझने लगता है कि ये काम मेरे बस की नहीं है। तो इसलिए दोस्तों पॉजिटिव सोचना है। और कभी कभी दोस्तों होता क्या, जैसे कि आपने वीडियो देखी, कोई मोटिवेशन वीडियो देखी, आप मोटिवेट हो गए, आप पॉजिटिव सोचने लगे कि मेरे को बनना है, सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ड्रीम को पूरे करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरे को घर बनाना है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ नकारात्मक लोगों से मिलने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद आप रात को सोते हैं और सोते टाइम आप 2-4 मिनट के लिए हम नेगेटिव सोचने लगते हैं कि शायद ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो पॉजिटिव सोचा हुआ था पूरे दिन का, वो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। जिस तरह से देखिए क्या कहते हैं ना कि जो पॉजिटिव होती है वो एनर्जी वो कम लोग एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी वो ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह से आप एक पानी की बोतल में या एक पूरे टैंक में पानी भरा हुआ है, पानी भर दी और उसमें एक दो बूंद जहर डाल दे तो वो पूरा पानी क्या होता है, वो गंदा हो जाता है, विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है, कोई उसको पीना नहीं चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार से पूरा दिन पॉजिटिव सोचे हुए पे अगर हम कुछ देर के लिए नेगेटिव सोच लेते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा वो पूरे दिन की पॉजिटिव ऊर्जा को नष्ट कर देती है, बेकार कर देती है। तो दोस्तों अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो रिजल्ट सकारात्मक आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको जरूर पसंद आई होंगी, वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।